नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं निशा उप्रेती। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। एक और उन्हें जहां विरोध का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी ओर कई नेताओं ने उनका समर्थन भी किया है। इस बीच छत्तीसगढ़ के बिलासपुर पहुंचे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भी उन्हें चुनौती दे डाली है। दरअसल शंकराचार्य ने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का नाम लिए बिना कहा कि चमत्कार दिखाने वाले जोशीमठ आकर धसती हुई जमीन को रोक कर दिखाएं, तब उनके चमत्कार को मैं मान्यता दूंगा, क्योंकि वेदों के अनुसार चमत्कार दिखाने वालों को मैं मान्यता देता हूँ, लेकिन अपनी वाहवाही और चमत्कारी वाले बनने की कोशिश करने वालों को मैं मान्यता नहीं देता। बागेश्वर धाम वाले आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री पिछले कई दिनों से सुर्खियों में बने हुए हैं। वैसे लगता है कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को सुर्खियों में रहना की आदत हो गई है। फिर चाहे वो उनकी कथा के दौरान दिए जाने वाले बयान हो या फिर अपने दिव्य दरबार में दिखाए जाने वाले कथित चमत्कारों की बात हो, लोग उन्हें लेकर सवाल उठाते रहते हैं। ऐसा दावा है कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के पास सिद्धियां हैं जो उन्हें बालाजी भगवान से मिली हुई हैं। तो वहीं आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर ये भी सवाल उठाया जाता है कि वो जो कर रहे हैं वो आस्था के नाम पर अंधविश्वास फैला रहे हैं। ऐसे में धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया कि दिव्य दरबार में जो हम बताते हैं वो ध्यान विधि के जरिए करते हैं, जिसे हमारे पूज्य गुरुदेव ने हमें इस विद्या को दिया है। साथ ही ईश्वर की कृपा से हम ये कर पाते हैं। बता दें कि बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर इन दिनों हंगामा मचा हुआ है। उन पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया जा रहा है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि वो लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। हालांकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उन पर लगे इन आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि वो अपने धर्मों का प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो संत हैं और ना ही खुद को कभी भगवान बताया है। तो अभी के लिए हमारी इस खास खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज़।